अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज एक और ही प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियो के साथ आई हूँ। वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज आदका का लास्ट पेपर है, तो हम लोग घर से निकल पड़े हैं पेपर के लिए। तो खुदा का शुक्र है कि आज इसका लास्ट पेपर है। यकीन करें, बहुत ही हम जो है इसके साथ हमें बाउंड होना पड़ा था, क्योंकि इसको पेपर के लिए लेके भी आएँ बहुत ही गर्मी होती थी। और तीन घंटे के पेपर के लिए हम इसके साथ वहीं पे रुके रहे। यार बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह से। हम लोग तो खुद जाते थे, खुद वापस आ जाते थे, लेकिन इसके लिए बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, पता नहीं ये कब बड़ी होगी। और अभी हम कॉलेज में आ गए हैं। ये इस्लामाबाद का IMCG कॉलेज है, और जो इसका एग्ज़ाम बोर्ड बना था। तो यहाँ पर वैसे बहुत ही खूबसूरत कॉलेज है। वैसे खूबसूरत इस लिहाज से कि इसमें बहुत सारे पौधे हैं, मतलब बड़ा भी है, प्लेइंग एरिया भी है, हाँ सब कुछ इसमें अच्छा है। ये हमारे कायद आज़म थे और इलामा इकबाल थे, जहाँ पे बहुत सारा। मैं तो तीन घंटे क्या करती रहती हूँ, मैं तीन घंटे यही सब कुछ करती हूँ। दीवारों पे जो जो लिखा होता है वो मैं पढ़ती रहती हूँ। इसी तरह से मेरा टाइम पास होता है। मैं कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि मुझे बार बार पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि बार बार उस तरफ नज़र जाए, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ते रहो, इसी तरह टाइम गुजरता है। फाइनली इन्होंने अभी मुझे कह दिया कि आप जाएँ और जाके साइड पर बैठें, बच्चों का पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे फिर यही जगह नज़र आई, क्योंकि पहले भी मैं यहीं आके बैठती हूँ, तो मैंने सोचा कि अपनी असली जगह पे जाऊँ और जाके बैठ जाऊँ, क्योंकि और तो कोई जगह ऐसी है नहीं, क्योंकि सामने वहाँ बैठने नहीं देते। जहाँ आप लोगों को भी पता होगा, जहाँ बच्चों के पेपर हो रहे होते हैं, वहाँ से थोड़ा सा एरिया दूर करके फिर बच्चों को बैठने देते हैं। वो देखें, झूला हिल रहा है, मुझे तो हॉरर मूवी याद आ गई। एक झूला झूल रहा है और एक नहीं झूल रहा। खैर, यहाँ पे वैसे इस कॉलेज में देखें कितना गंद था। मुझे इस तरह से ये कॉलेज अच्छा नहीं लगा कि इसमें सफाई वगैरह नहीं है, मतलब पौधे शौधे बहुत ज़्यादा हैं, सब कुछ है, लेकिन देखें कितना कचरा पड़ा हुआ है। जबकि काम करने वाली तीन यहाँ पे थी, झाड़ू भी लगा रही थी, लेकिन इस एरिए को कोई नहीं देख रहा था, जो कि बच्चों का प्लेइंग एरिया था, इसको तो देखना चाहिए था, लेकिन कोई भी इस पर गौर नहीं कर रहा। खैर, इस पर जिसको मेरी वीडियो जो है वो लोग देख रहे हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैं गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ। और ये है जामुन। कौन कौन लाइक करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी ये बहुत छोटे छोटे हैं, चुने चुने हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे, काश मेरे आत्मा के पेपर उस टाइम होते तो मैं तोड़ तोड़ के खाती, यही इसी तरह मेरा टाइम गुजर जाता, मैं जामुन तोड़ तोड़ के खाती, मुझे जामुन पसंद हैं। लेकिन मेरी किस्मत के ये बहुत छोटे छोटे थे। खैर, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ गमले कितने ज़्यादा हैं। अगर मेरे घर के करीब होता तो मैं गमले दो चार उठा के ले जाती, मुझे पौधे बहुत पसंद हैं, मैंने अपने घर में लगाए हुए हैं, लेकिन इस तरह के गमले हमारे घर में नहीं हैं। अगर दो चार यहाँ से कोई मुझे गिफ्ट ही दे दे तो क्या ही बात है। हाय, वैसे मैं ये सोच रही थी स्कूल टीचर्स हो सकता है कि ले जाती हूँ, लेकिन शायद नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये देखें बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये इतना प्यारा एरिया है ना, यहाँ पे अगर ये मेरे घर का लॉन होता तो मैं यहाँ शाम को चेयर टेबल रखती और बैठ के शाम की चाय पीती, मज़ा आ जाता, साथ में पकौड़े भी बना लेती। हाय कायद आज़म, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। बचपन से ये शेर पढ़ते आ रहे हैं और गलत पढ़ते आ रहे हैं। फाइनली आज का आ गई है पेपर करके, तो इससे पूछती हूँ कि इसका पेपर कैसा हुआ। नहीं। अभी तो देखते हैं कैसा हुआ इसका पेपर। कितने सवाल किए? बहुत सारे, छोड़ के नहीं आती। तो फिर एक घंटा पहले क्यों आएंगे? क्यों, साढ़े ग्यारह नहीं हुए अभी? मेरे हाथ कितने गंदे आ रहे हैं वीडियो में। साढ़े ग्यारह नहीं हुए अभी? नहीं, अभी तो ग्यारह हुआ। चलो खोल के, पचास नंबरों का पेपर था, चलो सोगा होता है। अच्छा, फिर तो बहुत ही देर लगाई है। उसे वो दिखाते इतने आसान सवाल है, ये तो मैं 5 क्लास में भी हल कर लेती। ये आपका के इस कॉलेज के बाहर का व्यू है। बहुत हमें यहाँ से इतना लंबा पैदल चल के जाना होता है, सामने से इतना हम चल चल के हम यू टर्न लेते हैं, ये टर्न लेते हैं, वो टर्न लेते हैं, तब जाके हमें मेन रोड मिलता है और वहाँ से हम लोकल गाड़ी पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से इन ड्राइव करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ये जो कॉलेज है थोड़ा सा अंदर करके था। तो हमें इसी तरह इतनी ज़्यादा धूप थी कि हमें धूप में ही चल चल के इतना जाना पड़ा। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका कॉलेज का प्ले एरिया है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं
और इस कॉलेज की बिल्डिंग इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा बिल्डिंग है और बच्चे तो हैं ही नहीं। मतलब अभी हाँ आई नो ये संडे को इसका पेपर था, लेकिन वैसे ही मतलब एक दिन मैं आई थी, उस दिन तो संडे नहीं था, क्लासेस भी थी लेकिन क्लासेस के बच्चे बहुत कम थे और बिल्डिंग बहुत ज़्यादा थी। लेकिन बहुत ही अच्छा और पुरसकून वैसे माहौल था। मैं दरख्त के नीचे बैठ गई थी क्योंकि मुझे जो है ना बहुत ही गर्मी लग रही थी इधर उधर, लेकिन मैंने कहा कि चलो दरख्त के नीचे थोड़ा सा सुकून है, तो मैं बस अपने झंडे को देखती रही सामने से और यहाँ बैठी रही। मैंने क्या किया कि पैकेज लगा लिया कॉल का, और जिस जिसको मैंने आज तक कॉल्स नहीं की थी अपनी फ्रेंड्स को, बहुत ही टाइम हो गया था, मैंने उन सबको कॉल्स की, इधर उधर रिलेटिव्स में कॉल की, बहनों को कॉल की। मैंने 2 घंटे का पैकेज लगाया और 2 घंटे इनसे बातें की, 3 घंटे का पेपर था, 3रा घंटा वैसे ही मेरा पहले भी कुछ गुजर गया था, बाद में भी कुछ गुजर गया था। तो बैठी बैठी बोर हो रही थी तो मैं घर से ना थोड़ी सी खाने पीने को कुछ लाई थी, ये निम्को थी शॉपर में, तो खास वैसे खाने का दिल नहीं कर रहा था इतना, लेकिन मैंने फिर भी खा ली क्योंकि मैं ना एक तो कॉल पे बिजी थी, दूसरा कि मैं कुछ मौसम को एंजॉय कर रही थी इसीलिए। तो आई मैं आप प्यारी बच्चे से मिलवाती हूँ। इधर देखो, इधर देखो, कैसे करते हैं बेबी, क्या नाम है, पानी पियो पानी पियो पानी पियो, ठीक हो जाओगी, पानी पियो पानी पियो, जाया हो रहा है, ये लो पानी पियो। कहाँ से आई हो, नाम क्या है, क्या नाम है? हाँ एमन, एमन नाम है, कौन सी क्लास में हो? अच्छा पानी बंद करो, जाया नहीं करते, गुनाह होता है। कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास में हो, है इतनी छोटी सी, 5 क्लास में एमन कह रही है। अच्छा तो आप कितने साल की हो, चीज खाओगी? 4 साल की और 5 क्लास में हो, वाओ, चीज खाओगी? निम्को है मेरे पास, दो है। आई कहाँ से हो, कहाँ से आई हो, संगे चर तुझे पठान पछतो पे, पछतो ना पे, पक्तों पे, पक्तों पे संगे। तुम भी खाओगी, ले लो। नहीं, तुम समझदार हो। कौन सी क्लास में हो? मैं अभी कच्ची क्लास। वाह, ये लो खा लो, कोई बात नहीं, खा लो, बाय। ऐसे तो करो, बाय तो करो, एमएल चली गई निकल। अच्छा अभी थोड़ी मेरी जो है ना फ्रेंडशिप हो गई थी इस बच्ची से, मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत प्यारी लगी, इतनी क्यूट थी। हालांकि इसका जो गेटअप था वो बहुत ही मैला सा, मैला कचैला हुआ पड़ा था क्योंकि बच्चे हैं ना अपना ख्याल नहीं रखते, लेकिन ये फिर भी मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, मुझे बहुत मज़ा आया इसके साथ बातें करके। और फाइनली अभी हम लोग वापस आ रहे हैं घर, तो अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के आज का के पेपर तो ख़त्म हुए। हम मैं तो कह रही हूँ कि इतनी गर्मी में इसको ले जाना लाना बहुत ही मुश्किल था। तो फाइनली मेरा जो व्लॉग है वो ख़त्म हो गया है। जे जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।